हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी हैव स्टार्टेड दिस लेसन द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेखव। एंटन चेखव इज अ रशियन राइटर हु हैज रिटन सो मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एंड ही हैज आल्सो एक्सप्लेन हियर वी हैव अ मीनिंग ऑफ प्रपोजल। देन वी हैव रेड अबाउट रशियन वेडिंग एंड आफ्टर रशियन वेडिंग हियर आर इन दिस प्ले वी हैव थ्री कैरेक्टर्स। नंबर वन कैरेक्टर इज स्टीफन स्टेपनोविच चुबुको, सेकेंड इज नतालिया स्टेपनोवना एंड थर्ड इवान वासिलेविच लोमो। चुबुको इज लैंड ओनर एंड ही इज फादर ऑफ नतालिया। नतालिया इज डॉटर ऑफ चुबुको एंड सी इज 25 ईयर्स ओल्ड एंड लोमो इज नेबर ऑफ चुबुको एंड ही इज आल्सो अ लैंड ओनर। एंड वन डे ही मिस लोमो हैज कम टू मीट चुबुको। ही इज वेल ड्रेस सो चुबुको आस्क वाई हैड ही कम। He said that this is just a formal visit. I just wanted to see you. Then when Chubuko request him to tell the motive of his visit, बच्चों जब वो चुबुको उनसे पूछते हैं कि अपना आने का पर्पज बताइए, आखिर आप आज क्यों आए हैं और इतने अच्छे कपड़े पहनकर क्यों आए हैं, तो लोमो कहते हैं मुझे माफ़ करिए, मुझे आपका एक फेवर चाहिए, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो चुबुको समझ जाता है कि शायद ये पैसा मांगने आया है। वो अपने मन में ठान लेते हैं कि इसको पैसा तो मैं नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि अच्छा क्या हुआ बताओ। लोमो कहता है यू सी आर्नल्ड स्टेपनोविच। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। I beg pardon, Stephen Andreich. I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and I haven't any right to count on your assistance. कहता है कि लोमो क्या बोलता है, लोमो बच्चू बोलता है क्या बोलता है, देखो लोमो कहता है यू सी मतलब देखिए, ऑनर्ड स्टेपनिच आप इतने सम्मानित स्टेपनिच। स्टेपनिच बच्चों उनका एक पीढ़ी है, उनका एक खानदान है स्टेपनिच खानदान। आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम ऑफुल्ली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। चुबुको कहता है वो डोंट गो राउंड एंड राउंड। चुबुको देखो बच्चों क्या बोलता है, डोंट गो राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल मत घुमाओ डार्लिंग, स्पिट इट आउट, जल्दी बताओ क्या बात है। लोमो वन मोमेंट दिस वेरी मिनट द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवना इन मैरिज। तो फिर लोमो बता देता है कि देखो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी लड़की नतालिया स्टेपनोवना का हाथ मांगने के लिए, उसे शादी करने के लिए मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ। चुबुको बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं बाय जोव। जो बच्चों जो है वो बहुत बड़े गार्ड हैं, ग्रीक माइथोलॉजी के गार्ड हैं, यानी कि ग्रीक में ये ईसाई गार्ड नहीं है बच्चों, ये ग्रीक गार्ड हैं। और अपने यहाँ जैसे इंद्र देवता का स्थान है कहा जाता है, देवताओं के राजा इंद्र हैं, वैसे ही ग्रीक लोगों में जो ग्रीक लोग हैं उनमें देवताओं के राजा को जो माना जाता है। जब भी लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि हे भगवान, वैसे ही वो होता है बाय जोव। इवान वासिलेविच सीट अगेन आई डिडंट हियर इट आल, फिर से बताओ मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या कह रहे हो। लोमो कहता आई हैव द ऑनर टू आस्क। चुबुको इंटरप्टिंग माई डियर फेलो आई एम सो ग्लेड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेसेस किसेस लोमो। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, शेड्स अ टीयर एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन। चुबुको कहते हैं मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, ऐसा लगता है कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो, मैंने कभी भी तुमको पराया नहीं समझा। मे गॉड गिव यू बोथ
his help and his love and so on and so much hope that I am behaving in this idiotic way far. I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I will go and call Natasha and all that. नताशा बच्चों, नतालिया का ही नाम, दूसरा नाम नताशा है। तो चुबो को क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। ईश्वर आपका आपको खुश रखे, और भगवान या ईश्वर ही सब कुछ करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है मैं नताशा को बुला देता हूँ। लोमो ऑनर्ड स्टीपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? लोमो कहता है क्या मुझे उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब नताशा कंसेंट लेना ज़रूरी है? देखो बच्चों, यहाँ पर लोमो की एक बात समझना होगा। लोमो सोचता है कि उसके पापा से बात करके और हम शादी फिक्स कर दें, ठीक है। अब यहाँ शादी का मतलब उसका ऐसा नहीं कि वो नतालिया को देखा तो उसको शादी करने मन कर दिया। उसने अभी नतालिया को देखा ही नहीं है। शादी करने का उसका मन इसलिए है बच्चों कि उसका प्रॉपर्टी में माइंड लगा हुआ है। वो सोचता है कि उस वो मतलब प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। चुबू को कहते हैं वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड इफ शी वॉन्ट कंसेंट शी इज इन लव इगार्ड सी लाइक ए लव सिक कैट एंड सो ऑन सेंट बिलोंग। तो चुबू को कहते हैं बिल्कुल आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, बिना उसकी परमिशन के शादी नहीं हो सकती है, है नहीं? तो चला जाता है। लोमो कहता है इट्स कोल्ड, I am trembling all over, just as if I had got an examination before me. The great thing is, I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. It's cold, Natalia. तो ये अपने मन में कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी दिखाऊंगा कि मेरे अंदर लव की कमी है या मैं उसको वास्तव में लव नहीं करता हूं, तो शायद वो मुझसे कभी भी, या मैं जो है उससे कभी शादी नहीं करूंगा। स्टेपनोना इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, व्हाट मोर डू आई वांट? तो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की एक अच्छी हाउसकीपर है, मतलब घर का पूरा ख्याल रख पाएगी, और बैड लुकिंग नहीं है, मतलब चेहरा ठीक ही है, और वेल एजुकेटेड है, एक तो पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर आई वांट, इसके अलावा और क्या चाहिए? बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माय ईयर्स, मेरे कान बज रहे हैं। वो फिर से ड्रिंक पीता है, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई एम ऑलरेडी 35। तो बच्चों लोमो की एज लगभग 35 हो गई है, जो एक क्रिटिकल एज है, मतलब इसके बाद जल्दी शादी नहीं होती है। In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I am excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. वो बताता कि मुझे सर्दियाँ लगती हैं, मेरे दाहिने आईब्रो पर ट्विच है एक थोड़ा सा, और सबसे बुरी बात है कि जब मैं सोता हूँ तब वो देखने वाला होता है जब मैं सो जाता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो अप व्हेन सडनली समथिंग इन माय लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माय शोल्डर एंड हेड, जंप अप लाइक अ लुनेटिक, वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, बट आई सून आई बिगिन टू गेट अप टू स्लीप, देयर इज अनदर पुल एंड दिस मे हैपन 20 times। बच्चों इसके साथ एक बड़ी अजीब घटना घटती है। कहता है कि जैसे मैं बेड पर जाता हूँ, अचानक कोई मुझे खींचता है और मैं मेरे कंधे पर एक लगता है कि कोई भार है, और मैं एकदम से लुनेटिक का मतलब होता है मैड, पागल के तरीके से मैं उठता हूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ, फिर आकर सो जाता हूँ, और जैसे ही सोता हूँ फिर मुझे कोई खींचता है, मैं फिर उठता हूँ, फिर वॉक करता हूँ, फिर आकर सो जाता हूँ, और ऐसा चीज़ें लगभग 20 times होता है। तब तक नतालिया स्टेपनोना कम्स इन। नतालिया, वेल दियर इट्स यू, एंड पापा सेड गो दियर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वासिलेविच? नतालिया लोमो को पहचानती है, तो
नतालिया कहती है कि पापा ने तो बोला था कोई व्यापारी आया है और यहाँ पर तो तुम आए हुए हो। लोमो कहता हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया, नतालिया आप कैसी हैं। नतालिया बोलती है यू मस्ट एक्सक्यूज माई अप्रान एंड नेग लीग वी आर सेलिंग। नतालिया कहती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आई हूँ, मैं ये अप्रान और ये नेग लीग पहन कर आई हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं क्या है कि मैं वहाँ पर जो मटर हैं मटर के दानों को सुखा रही थी। वाई हैव नॉट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम से डाउन। नतालिया पूछती है कि आप इतने दिन बाद क्यों आए हो। और उसके बाद वो ये भी पूछती है वुडंट यू हैव सम लंच, क्या लंच करोगे। लोमो कहता नो थैंक यू आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। नतालिया देन स्मोक, अगर लंच कर लिया तो स्मोक करिए। हियर आर द मैचेस, ये देखो ये माचिस ले लो। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, और मौसम भी कितना शानदार है। एंड यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, और कल तो बारिश इतनी हो रही थी कि वर्कमैन ने कुछ किया ही नहीं पूरा दिन। हाउ मच हैव यू स्टैक्ड, अच्छा तुम्हारे यहाँ हे कितना लगा हुआ है। हे बच्चों होता है धान की फसल, कितना लगा हुआ है भूसा कितना है। हे का मतलब एक तरह का भूसा। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माय हे में रॉट। मैंने वैसे कटवा तो लिया था अपने खेत से, पूरा हे कटवा लिया था, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि इतना सारा हे मैंने कटवा तो लिया लेकिन अब वो रॉट हो जाएंगे। रॉट का मतलब सड़ने लगेंगे, रॉट। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू बाल और व्हाट। नतालिया पूछती कि आप इतने अच्छे ड्रेस में इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं, क्या आप किसी बाल में जा रहे हैं। बच्चों ये बाल जो होता है, बाल एक तरह का प्रोग्राम होता है, हम लोगों के यहाँ भी समाज का प्रोग्राम होता है जिसमें एक समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर बढ़िया खाना पीना होता है और कई कई बार लोग गाना सुनाते हैं, कभी डांस भी करते हैं, एक समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। ईसाइयों में और रूस में क्या होता है कि बाल होता है, बाल का मतलब एक ही समाज के लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर लोग खाते हैं पीते हैं डांस करते हैं गाना गाते हैं खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये होता है कि यही बाल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग लड़के वाले लड़कियों को देखने आते हैं और लड़की वाले लड़कों को खोजने आते हैं ताकि शादियाँ हो सकें। तो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट। लोमो कहता है यू सी आना नताले स्टेपनोना, फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। ऑफकोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री बट इट्स आफुल्ली कोड। नतालिया व्हाट द मैटर, नतालिया पूछा अच्छा बात क्या, पूरी बात बताओ। लोमो कहता है आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू मस्ट नो आना नतालिया स्टेपनोना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, माई लेट आंट एंड हर हजबैंड फ्राम होम, एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, द लोमोज एंड द चुबुकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर इच अदर, एंड एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्च वुड्स। तो लोमो इतना लंबा चौड़ा बोलता है, ही सेज दैट एक्चुअली ही इज नोइंग फैमिली ऑफ नतालिया फ्राम हिज चाइल्डहुड। क्या बोलता है बच्चों कि वो बचपन से ही नतालिया की फैमिली को जानता है और वो ये भी बताता है कि उसकी जो आंट थे, आंट के जो हस्बैंड थे, वो सारे लोग जो है जानते थे। ये भी बताता है कि जैसे कि तुम नतालिया को पता है कि लोगों को ज़मीन मिली हुई है, ठीक है, उसके पास खूब सारी ज़मीन है जो उसके पिताजी ने
और उसकी मदर ने उसको दिया है। दोनों की डेथ हो चुकी है, अब लोमो अकेला है। लोमो और नतालिया के पिताजी चुबुको, ये दोनों अच्छे मित्र थे और अक्सर बढ़िया मिलते रहते थे। और वो ये भी बताता है कि मेरा जो ज़मीन है वो आपकी ज़मीन के एकदम करीब है। फिर वो ज़मीन का नाम लेता है, कहता मेरा जो ज़मीन है ऑक्सन मीडोज, वो आपके बर्च ऊट्स, यानी नतालिया की जो ज़मीन है बर्च ऊट्स, उससे मिलता है, मतलब दोनों टच करता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अभी अपने काम की बात नहीं बताया, तो नतालिया इनकी बात पकड़ लेती है और कहती है एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज, आपने अभी क्या बोला, आपने कहा माई ऑक्सन मीडोज, तो क्या ऑक्सन मीडोज आपका है, बट आर दे योर्स? लोमो कहता है यस माइन, हाँ वो मेरा है। कहते नहीं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बकवास कर रहे हो, ऑक्सन मीडोज आर आवर्स, ऑक्सन मीडोज तो हमारा है, नॉट योर्स। लोमो नो माइन आनर नतालिया स्टेपनोना, नतालिया वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, मुझे नहीं मालूम, मुझे बताओ कि ये आपका कैसे है। लोमो कहता हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्च वुड एंड बर्नट मास, अरे वो ऑक्सन मीडो जो है आपके जो प्रॉपर्टी बर्च वुड की प्रॉपर्टी और बर्नट मास की प्रॉपर्टी के बीचों बीच में है, लेकिन वो मेरा है। तो वही नतालिया कहती यस यस दे आर योर्स, दे आर आवर्स। नतालिया कहती हाँ, इसीलिए तुम कह रहे हैं कि वो मेरा है, क्योंकि उसके उस तरफ भी मेरी प्रॉपर्टी, इस तरफ भी मेरी प्रॉपर्टी, बीच में आपका कैसे हो जाएगा। लोमो नो यू आर मिस्टेकन आर नतालिया, दे आर माइन। नतालिया जस्ट थिंक इवान वासिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, अच्छा बताओ वो आपके पास कब था। नतालिया कहती है अच्छा बताओ आपके पास कब था, कभी आपने उस पर खेती किया है। लोमो हाउ लॉन्ग आई कैन रिमेंबर, नतालिया रियली यू वॉन्ट गेट मी बिलीव दैट लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स आनंद नतालिया। नतालिया वो कहती है आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू फॉर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बट नाउ एवरीबडी नोज दे आर माइन। लोमो कहता है देखो एक जमाना था जब ऑक्सन मीडोज विवादित हो गया था, लेकिन आज तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो मेरा है। देर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन परपेचुटी टू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर इन रिटर्न फॉर विच देवर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। तो लोमो बताता है कि जो मेरी आंट थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर ने आपके पिता के पिता के पिता के पिता को जमीन लीज पर दिया था, या पैसे नहीं लिए थे, फ्री यूज करने को दिया था, ठीक है। तो अब यूज करने दिया था, इसका मतलब ज़मीन आपकी नहीं हुई, ठीक है। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर ग्रैंड फादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। अब बहुत सारे किसान जो वहाँ पर खेती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो खेती कर रहे हैं, तो वो लोग समझ रहे हैं कि ये उनका है, लेकिन उनका नहीं है। नतालिया बोलती है नो इट्स नॉट ऑल एट ऑल लाइक दैट, बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर रेकंड एंड देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बंट मार्स विच मीन दैट ऑक्सन मीडोज वर आवर्स। नतालिया कहती कि हमारे ग्रैंड फादर की ये पूरी ज़मीन है, हमारी वहाँ से लेकर और मतलब बंट मास तक है, तो इसमें ऑक्सन मीडोज तो बीच में आता है, तो बीच वाली प्रॉपर्टी इनकी कैसे हो जाएगी। आई डोंट सी वाट दियर इज टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली। लोमो कहता आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट नतालिया, लोमो कहता मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।